भाई देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना मशहूर है, यहाँ इतना ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक जाम है कहने की बात नहीं है। हमें एक घंटा हुआ यहाँ पर ट्रैफिक जाम में, तो ये लोग बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ा करते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आई होप गाइस आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, मज़ेदार होंगे। तो करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम और फेसबुक पेज पर वेलकम। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है, करते ज़ाहिर होने वाला है। तो मुझे जाना है आज बाजार, तो देखेंगे दिन भर का फ्रॉस्ट क्या रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहना, और किसी और जगह जाना है तो आप वीडियो में देखेंगे दिन भर का फ्रॉस्ट क्या रहेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, मैं निकलता हूँ। मैं निकला हूँ घर से, तो अभी मेन रोड पर जाना है, वहाँ पर ऑटो में चढ़ना है, फिर जाएंगे सीधा बाजार। मौसम ओपी कंडीशन में है, मौसम आज ओपी कंडीशन में लग रहा है क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी, आज अच्छी खासी धूप निकली है। तो अभी का सीन ये है, अभी मैं मेन रोड तक पहुंचूंगा, फिर मैं ऑटो में चढ़ूंगा, तो फिर जाऊंगा सीधा बाजार। तो देखेंगे दिन भर का प्रोसेस क्या रहेगा, और वीडियो में बने रहना। मलिक ए अपना इलाका, इतना सरकार भी आप, इतना कानून भी आप, इतना वारदात भी आप। तो गाइस देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना मशहूर है, यहाँ इतना ट्रैफिक जाम है, इतना ट्रैफिक जाम है कहने की बात नहीं है। हमें एक घंटा हुआ यहाँ पर ट्रैफिक जाम में, तो ये लोग बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ा करते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। तो देखिए गाइस कितना ट्रैफिक जाम है, इन्होंने बीच रोड में गाड़ियाँ रखे है, तो इनको एहसास नहीं है कोई पेशेंट भी आ सकता है, उसके रास्ते में ही जान निकल सकती है। ये मेन मार्केट बांदीपुरा का रोड का हाल है, देखिए गाइस इनकी हया एहसास कहाँ है, इंसानियत कहाँ गई है इनकी। मैं पहुँचा हूँ बांदीपुरा में, तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत काम है तो वो करेंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट शॉट में। जिस बंदे के पास मुझे काम है उसका शॉप बंद है, अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा, तो मुझे जाना है अभी कोयल। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो काफ़ी। पूछा हूँ अभी गुलशन चौक बांदीपुरा में, अभी का सीन ये है, मुझे जाना है कोयल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। पूछा हूँ अभी फुटवानी के शोरूम पर, शॉप पर, तो अभी थोड़ा बहुत काम है यहाँ पर, तो फिर मैं नकद शॉप में आपसे बात करूँगा। वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, गाड़ी नहीं आ रही है, तो सीधा जाएंगे कोयल, वहीं पर डरे थे, हम मिलेंगे आपसे। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल रोज। पूछा हूँ केवल, तो यहाँ से एक बंदे से मुझे काम है, तो मैं काम करूँगा, तो फिर देखेंगे आगे का सीन क्या रहेगा, तो आप वीडियो में बने रहना। मैं हूँ शॉप पर, मैंने सोचा कि मैं कुछ खाऊंगा, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो अभी का सीन है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो अभी तक नहीं आए हैं, तो देखेंगे वो कब आएंगे, तो फिर निकलेंगे सीधा घर। थोड़ा कोयल का मार्केट दिखाऊँगा, यहाँ की व्यू दिखाऊँगा। मैं निकला हूँ कोयल से, अभी का प्लान ये है, मुझे जाना है बाजार, बाजार से लेके जाएंगे सीधा घर, तो देखेंगे दिन भर का प्रोसेस क्या रहेगा, और वीडियो में बने रहना। पहुँचा हूँ बांदीपुरा, तो अभी का सीन ये है, मुझे जाना है कसाई के पास, वहाँ से मीट लेंगे। मैं पूछा हूँ यूसुफ साहब के पास, तो डेली ने रास्ते में कॉल किया है, कुछ मेहमान आने वाले हैं हमारे घर,
तो मुझे उसके मीट लेना है, तो फिर यहाँ से सीधा घर निकलेंगे। मैंने उयूब साहब के पास मीट लिया है, तो अभी का सीन ये है, हम जाएंगे घर, सीधा मिलेंगे घर पे। घर तो काफी ज्यादा लेट हुआ है, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगा, तो एंड आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मैन मार्केट बानीपुरा में बीच रास्ते में गाड़ियां रखते हैं, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब मैं बानीपुरा पहुंचा था तो मुझे लोग मिले थे, उन्होंने बोला भाई आप इसके लिए एक मैसेज दे दो, तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप मैन मार्केट बानीपुरा में बीच रास्ते में गाड़ियाँ मत रखा करो, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि आपकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करो। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप मेरी फेसबुक पेज पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, दुआ में याद रखना।